हिमाचल भी इन दिनों गर्मी का कहर झेल रहा है। गर्मी का आलम यह है कि अब जंगल भी धधक रहे हैं और जंगलों में लगी आग से उठ रहे धुएं ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। हालात ये हो गया है कि लोगों को अब सांस लेना मुश्किल हो गया है, घरों में भी उनका दम घुट रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। धधक रहे धर्मशाला के जंगल, धुआं धुआं हुआ शहर, पूरा का पूरा धर्मशाला शहर धुएं के चादर से ढक गया है। जिधर नजर दौड़ाओ सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा है। ये धुआं दरअसल धर्मशाला के जंगलों से आ रहा है जहां आग लगी है। घने जंगलों में लगी आग की वजह से शहर के ऊपर धुएं का गुबार जमा हो गया है और इस वजह से पूरा शहर धुंधला धुंधला दिख रहा है। आग लगने की वजह से जंगलों में काफ़ी गर्मी है जो कि पहले नहीं थी, अब काफ़ी गर्म हो चुका क्लाइमेट भी, और जिससे कि कई लोगों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। वन अधिकारी आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन आग इतनी भयंकर है कि इतनी आसानी से काबू में आने वाली नहीं है। इससे पहले धर्मशाला नगर निगम की सुधेर डंपिंग साइट में आग लग गई थी। कचरे में सुलग रही आग से उठ रहे धुएं के कारण कोतवाली बाजार पूरी तरह से इसकी चपेट में आ गया था। धुएं की वजह से अब शहर के लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। चैलेंजेस एक तो ये है कि जहाँ पे आग लग रही है वहाँ पे पहुँचना कहीं कहीं मुश्किल हो जाता है, और जिस लेवल पे लग रहा है उसमें हमें जो हमारे फायर टेंडर्स हैं वहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही है। और अभी पीछे एक हमारा जो वेस्ट मैनेज डिस्पोजल की जो साइट थी वहाँ पे आग लगी, वो काफ़ी बड़े प्रोपोर्शन में लगी, तो उस पर जो फायर टेंडर्स थे उनकी संख्या में कमी होने की वजह से हुआ, तो उसको दो दिन इनफैक्ट आज भी फायर टेंडर्स भेजे गए हैं ताकि उनको उस आग को बुझाया जा सके। धर्मशाला और इसके आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से आग की वजह से जहरीला धुआं हवा में घुलता जा रहा है। अब जहरीली हवा ने लोगों का सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। जल्द ही इसे काबू नहीं किया गया तो ये जहरीली हवा सैकड़ों जिंदगियों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।